नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हमारे व्यूज को बढ़ते नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे व्यूज को बढ़ते नहीं, इसके बहुत सारे गलतियाँ और उसी गलतियों के कारण हमारे व्यूज बढ़ते नहीं। तो पहली गलती है दोस्तों, हमारे जो हम अलग अलग टाइप पे टाइटल में जो होता है, शुरुआती दौर में हम अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोस हम अपलोड कर सकते हैं, मगर जो वीडियो वायरल होगा उसी टाइप के वीडियोस हमें बनाना चाहिए। अगर हम उस टाइप के वीडियोस नहीं बनाते दोस्तों, और अलग अलग कैटेगरी में वीडियोस होते बनाते, तो उसी गलती के कारण हमारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। हम 10-12 प्रकार के कैटेगरी के वीडियोस बना डालते हैं और हमें सही बात ये है दोस्तों कि हमें एक ही कैटेगरी चुनना चाहिए। जो कैटेगरी में हमारा वीडियो वायरल हुआ है वही कैटेगरी को लेके हमें लास्ट तक वीडियो बनाना चाहिए, नहीं तो अलग अलग कैटेगरी का वीडियो डालने से हमें आने वाले समय में व्यूज नहीं आते। उसी गलती की वजह से हमारा जो व्यूज आने का जो मसला होता है दोस्तों, अभी देखिए ब्लॉग का वीडियो डालेंगे और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी की वीडियो डालेंगे और स्पोर्ट के वीडियो डालेंगे, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के हम वीडियो डालते हैं। इसी के कारण हमारे व्यूज नहीं आते। ये हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है और इन गलतियों की वजह से हमारे कई सारे गलतियाँ होती है। हम गलत वीडियो डालते हैं तो हमें जिस टॉपिक में जिससे रिलेटेड हमारा वीडियो वायरल हुआ है उसी के जरिए से हमें वीडियो उसी की लाइन से ही देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे गलतियां होती है। हमें सही तरीके से वीडियो डालना चाहिए। सही तरीके से हम वीडियो डालेंगे दोस्तों तो हमारे व्यूज आते रहेंगे, नहीं तो अलग अलग कैटेगरी में सब्सक्राइबर अलग अलग जगह जाएंगे। किसी को ब्लॉग पसंद है, किसी को स्पोर्ट पसंद है, किसी को साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी पसंद है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमारा वीडियो कौन सा वीडियो वायरल होएगा, सभी कैटेगरी के वीडियो वायरल हो जाएगा दोस्तों, मगर हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो इसी से दोस्तों हमें सही तरीके से वीडियो डालना चाहिए। अगर आपको सही तरीके का मतलब क्या है दोस्तों, जो वीडियो वायरल हुआ है उसी टाइप के वीडियोस आप डाल सकते हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट आप डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियोस का लेंथ भी टाइटल में कम रखना है, 2-3 मिनट का ही रखना है। जैसे जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर बाद में आप 10 मिनट के अंदर और 8 मिनट से ऊपर का वीडियो आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।